नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्पेक्टर साहब, मेरा इन लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनके साथ कभी मेरी दोस्ती थी और 2 साल पहले मैं इन लोगों के साथ इस हवेली में आया था और 2 दिन तक यहीं पर ठहरा था। उसी दौरान मुझे यह हवेली इतनी अच्छी लगी कि मेरे कहने पर मेरे अंकल मिस्टर प्रेम राजदान ने यहाँ पर बहुत सारी जमीनें खरीद ली। वे तो हवेली भी खरीदना चाहते थे मगर राजा साहब के डैडी ने मना कर दिया। कहीं यह हवेली को पाने का ही तो चक्कर नहीं चल रहा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपनी जमीन पर बाड़ लगवाने के चक्कर में आया था। फिर एक दिन मैंने लाला और रीटा को जंगल में घूमते हुए देखा। मैं समझ गया कि राजा के साथ सोनी भी आई होगी। सोनी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सोनी, मेरी मोहब्बत, मेरी जान। उसकी बेवफाई ने मुझे तोड़ के रख दिया मगर मैं अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर था। उसकी एक झलक पाने के लिए मैं बार बार हवेली में जाता रहा हूं। तो शायद इसीलिए राजा और उसके दोस्तों से दुश्मनी हो गई तुम्हारी? ये आप कह सकते हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन किसी का खून आखिर मैं क्यों कर सकता हूं? हवेली को पाने के लिए, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए? नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी का खून करके मोहब्बत नहीं पाई जा सकती। मैं निर्दोष हूं, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। ठीक है, अभी तो हम तुम्हें जाने देते हैं लेकिन जब तक हमारी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तुम इस इलाके को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जी सिंह, इनका पता ठिकाना नोट करो और इनको जाने दो। ओके सर। थैंक यू सर। अच्छा हुआ गजेंद्र पकड़ा गया, अब हमें भी यहां से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, फांसी होगी कमीने को। मगर मेरी रीटा तो वापस नहीं आएगी ना? और मेरा मोहन? हाँ। अरे लाला, तुम कहाँ चले मेरे राजा? अरे क्या बात है, डॉली नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? पता नहीं, शायद सो रही होगी। संगमरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। क्या हुआ, शर्म आ गई? रियली तुम बहुत खूबसूरत हो। चेहरा, ये जुल्फ, ये नाज, ये निगाहें, आखिर तुम ही बताओ क्यों करना तुमको चाहिए।
हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ साहब जी, यहाँ खून हो गया है। खून हो गया? कहाँ हो गया? हवेली में साहब जी। ये क्या हो रहा है राजा? एक एक करके राजा हम ये मनुष्य जगह छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, हमने कहा ना इस जगह को छोड़कर कोई नहीं जाएगा। आप चाहते क्या है कि हम एक एक करके यहीं मरते रहें और आपकी तहकीकात यहीं चलती रहेगी? हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे मिस्टर। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सब हुआ कैसे? गजेंद्र तो आपकी गिरफ्त में था। हा? इसका मतलब कि कातिल कोई और है। हाँ, कोई और। गजेंद्र पर हमारी पूरी नजर। नजर है मतलब? हमने उसे कल रात ही छोड़ दिया था। क्या आपने आपने उस कमीने गजेंद्र को छोड़ दिया? इसी का नतीजा है साहब, इसी का नतीजा है। नहीं नहीं मिस्टर राजा, वो लगातार हमारी निगरानी में है। अभी वो यहीं पास वाले खेत में अपनी कोठी में मौजूद है। अपनी कोठी में? हाँ, उसके चाचा ने यहाँ बहुत सारी जमीन खरीद रखी है। इंस्पेक्टर साहब, वो कमीना बहुत ही शातिर इंसान है। वो तो कल उसकी किस्मत अच्छी थी जो आपका हवलदार आ गया और वो बच गया, वरना कल ही। अगर वो गुनहगार है तो बच्चे का वो भी नहीं। वही है, वही गुनहगार है इंस्पेक्टर साहब। ये देखना हमारा काम है मिस्टर राजा। वैसे हमारे शक के दायरे में और लोग भी हैं और उनमें से एक आप भी हैं। क्या मतलब? राइटर से आपका झगड़ा हुआ और वो मरा पाएगा। ये माय गॉड माय गॉड। अब कातिल ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता हमसे, लेकिन आप लोग इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। वैसे आपकी हिफाजत के लिए हमारे हवलदार रहेंगे, ठीक है? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा, राजा, राजा कहाँ गया? राजा, राजा, राजा। क्या हुआ सोनी? लाला, लाला, राजा, राजा। अरे क्या हुआ? वहाँ कोई है। अरे कौन है वहाँ? कोई है और राजा भी गायब है। हाँ, तू आ गया राजा। अरे क्या बात है यार, क्यों चिल्ला रहे तुम लोग? सब गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने। वहाँ कोई था, मैं उसका पीछा कर रहा था मालूम, लेकिन तुम लोगों ने चिल्ला के सब। Thank you.
चलो। हा? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ इस समय, क्या बात है? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। हा? क्या, मगर क्यों? इन्होंने रात को गजेंद्र का खून कर दिया है। क्या, गजेंद्र का खून? लेकिन सर, जो कहना है थाने चलकर कहो। सर, ये खून मैंने नहीं किया है, नहीं किया है। प्लीज कोऑपरेट मी मिस्टर राजा, वरना मुझे तुम्हें हथकड़ी लगाकर ले जाना पड़ेगा। चलो। लेकिन सर प्लीज। चलो चलिए। चलो मिस्टर राजा। देखिए सर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो एक साये का पीछा कर रहा था। अरे पकड़ भी लेता उसे, लेकिन हाँ, फिर वो साया तुम्हारे देखते ही देखते गायब हो गया और तुम्हें छोड़कर गजेंद्र को निशाना बना लिया। हो सकता है सर, सब कुछ हो सकता है। वही तो कह रहा हूँ, सब कुछ हो सकता है। तुम गजेंद्र का खून करके लौट रहे थे, जिसका ऐलान तुम कई बार कर चुके हो। सोनी ने तुम्हें लौटते हुए देख लिया तो तुम्हें साये का बहाना बनाना पड़ा। क्यों इंस्पेक्टर साहब, ये सच नहीं है। आप लोग जाइए और आप यहीं रुकिए, आपसे कुछ सवाल पूछने बाकी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। सोनी और लाला हवेली में अकेले पड़ जाएंगे, उन पर खतरा मंडरा रहा है सर, कहीं ऐसा ना हो कि। इनकी हिफाजत का पूरा इंतजाम कर दिया मैंने। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा मत कीजिए, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं इंस्पेक्टर। मैंने इन्हें इंक्वायरी के लिए रोक रखा है, आप जा सकते हैं। प्लीज प्लीज गो। चलो सोनी। अरे कुछ भी हो, लेकिन राजा ऐसा नहीं कर सकता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, रात को अचानक राजा गायब हो जाता और सुबह पता चलता कि गजेंद्र का खून हो चुका है। तो क्या तुझे भी राजा पे शक है? पता नहीं लाला, ये क्या हो रहा है, मैं तो पागल हो जाऊंगी, पागल। सब मरेंगे, सब मरेंगे। मेरी मानो तो हम सब निकल चलते यहाँ से। ठीक है, राजा को आने दो, आते हम लोग निकल चलेंगे। ठीक है, ठीक है।